चलो मैं फॉर्मूला पूछता हूँ अभी। नंदिनी डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। सर मास बाय वॉल्यूम। दृष्टि ऐसा यूनिट बताओ डेंसिटी का। तेजस वीडियो ऑन करो भाई, बार बार ऑफ कर सर देते हो वीडियो। केजी पर मी केजी प्लीज पर वीडियो मीटर ऑफ मत क्यूब। करो तेजस। हाँ नंदिनी दृष्टि सर ऐसा यूनिट बताओ डेंसिटी का। सर केजी पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब देख के तो नहीं बोल रहे। नहीं सर। ओके तेजस सीजीएस यूनिट बताओ। डेंसिटी का सीजीएस यूनिट बताओ तेजस। तेजस तुम मोबाइल को एकदम ऐसे करके देखो, देखो जैसे बाकी लोगों का पूरा अच्छे से दिख रहा है, कॉपी दिख रहा है, शक्ल दिख रहा है, तो मोबाइल को ऐसे जगह पे प्लेस करो कि तुम्हारा शक्ल दिखाई दे। वीडियो तो अच्छा ही चल रहा है लेकिन अच्छे से प्लेस करो मोबाइल को। दृष्टि क्यों स्माइल कर रही है? हाथ पे मत रखो, ऐसा लगता है तुमने हाथ पे रखा हुआ है। कोई ऐसा जगह पे प्लेस करो मोबाइल को कि दिखाई दे अच्छे से। और सीजीएस यूनिट बताओ, डेंसिटी का सीजीएस यूनिट बताओ तेजस। अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करके बताओ। सर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं गलत बता दिया, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तुमने जो बताया वो हो गया ऐसा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गलत है, यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये है सीजीएस यूनिट। और नंदिनी रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। सर रिलेटिव मास डेंसिटी सर मास रुको ऑफ द रुको रुको, लिक्विड बाय वॉल्यूम बाय रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। सर मास ऑफ द लिक्विड बाय मास मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। ऊपर भी लिक्विड, न्यूमरेटर में भी लिक्विड, डिनोमिनेटर में भी लिक्विड। रिलेटिव डेंसिटी का दो फॉर्मूला है, एक है डेंसिटी, अगर ये सब नहीं पढ़ के रखोगे तो नहीं होगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है नंदिनी? डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? सर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ ओके ओके। एक और फॉर्मूला है इसका, ये क्या होगा, मास ऑफ एनी, मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा हमको पता नहीं। और अगर लिक्विड का निकालना होगा तब वो फॉर्मूला होगा मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमेशा वाटर का जो है डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ये रिलेटिव डेंसिटी का तीन फॉर्मूला है। तेजस बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला है। क्यूबॉइड एक रेगुलर सॉलिड है, अगर हमको डेंसिटी निकालना पड़ेगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, उस समय ये जो वॉल्यूम होगा कैलकुलेट करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। वाह करेक्ट है। और दृष्टि बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला है। साइड सर साइड क्यू। क्यूब, एक्सीलेंट। नंदिनी बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का क्या फॉर्मूला है। नंदिनी क्या सर फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का? नहीं पढ़ा, कौन बता सकता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, कौन बता सकता है? हाथ उठाओ। सर 4 बाय 3 रेडियस स्क्वायर।
नहीं थोड़ा सा तुमने ट्राई किया, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर का मतलब है रेडियस, पाई का वैल्यू मैंने बताया था 22/7, और डेसिमल में अगर होगा तो 3.14, तुम्हारे बुक में ये दिया हुआ है, ये भी उसका वैल्यू होता है फ्रैक्शन में। एक और बताया था मैंने वॉल्यूम ऑफ, क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कंटेनर टाइप होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है? सर पाई रेडियस स्क्वायर इनटू हाइट कुछ था। हाँ सही बोल, पाई रेडियस स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर इंटू हाइट मतलब एच, ये है फॉर्म, पाई आर स्क्वायर एच, आर मतलब है रेडियस और एच मतलब है हाइट, पाई का मतलब है 22/7 या 3.14, ठीक है। तो ये सारा था फॉर्मूला हमने, जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है वो सुबह वाला क्लास में कंप्लीट कर लिया था, तीन केस मैंने दिया था, मेरे को तीन जन ने ही जो है अच्छे से लिख के भेजा है, बाकी लोगों का अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ। और तुम जो तेजस, तुमने 12 बजे क्लास हुए अटेंड नहीं किया था, तो वो नोट्स जो है लिख लेना मैंने क्या लिखाया था क्लास में, ठीक है। ठीक नाउ पेज नंबर 28 में आ जाओ सब लोग। मेघा तुमने क्लास क्यों नहीं ज्वाइन किया अभी तक? क्या क्या प्रॉब्लम, क्या दिखा रहा है ये पीएम कौन है, क्या दिखा रहा है? ओहो, एक बार मोबाइल को रीस्टार्ट करके फटाफट ज्वाइन करो, दो बार क्या, ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करते रहो, शायद हो जाएगा, क्योंकि अभी क्लास मैंने जस्ट रिवीजन कराया, अभी स्टार्ट करूंगा टॉपिक। पीएम कौन है, पीएम कौन है कोई जानता है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वाह, नरेंद्र मोदी इज अटेंडिंग आवर फिजिक्स क्लास, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। अभी हम लोग उसका फेस देखना बाकी है, देखते हैं कौन है ये पीएम, प्राइम मिनिस्टर, किसी को पता है ये पीएम कौन है? नो सर। देखते हैं फेस आ गया तक। तो पेज नंबर 28 में है लॉ ऑफ क्या, फ्लोटेशन, हमने प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पढ़ लिया, अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ओके, व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय इट्स इमर्स पास्ट इट्स कॉल इज इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द बॉडी, दिस इज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। व्हाइल फ्लोटिंग वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स इमर्स पास्ट दैट इज बाय एंड फोर्स। ओके, बहुत इजी है, हमने एक डायग्राम देखा था याद है, लास्ट जो थर्ड केस में हमने पढ़ा था, ऐसे बीकर में पानी लिए हुए थे और हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट जो है पार्शियली पानी के सरफेस के नीचे डूबा हुआ है एंड पार्शियली जो है पानी के सरफेस के ऊपर है, याद है? ये थर्ड वाला केस था जिसमें ऑब्जेक्ट पार्शियली जो है पानी में, पानी के अंदर था और पार्शियली पानी के बाहर था। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन जो है इसी के ऊपर बेस्ड करके है, यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स इमर्स्ड पार्ट, इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है इमर्स मतलब डूबा रहना है ना, तो इसमें कितना सा पार्ट डूबा हुआ है, ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट का इतना सा पार्ट डूबा हुआ है, तो इतना सा पार्ट डूबा रहने के लिए इस ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, इतना लिक्विड को यहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी तो ये इस प्लेस में ये आ सकता है ना। देखो इस डायग्राम को अगर मैं पहले ऑब्जेक्ट को हटा दूँ, ऑब्जेक्ट को हटा देने से यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है इस जगह पे, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को डाला तब इतना सा स्पेस से लिक्विड हट गए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया इस स्पेस से, ठीक है। तो ये कितना वाटर को हटाएगा, ये हमने उसमें भी पढ़ा, ये कितना वाटर, डिस्प्लेस मीन्स टू रिमूव है ना, तो इसे यहाँ से हटा देना, तो यहाँ से कितना वाटर हटेगा, जितना इस ऑब्जेक्ट का वेट है उतना ही वाटर यहाँ से हटेगा, दैट इज लॉ ऑफ मोशन। ध्यान से एक और बार पढ़ो, देखो When a body floats in a liquid, the weight of the liquid displaced, जो weight of the liquid होगा, जो displace हो रहा है, कितना liquid displace हो रहा है, इतना सा liquid displace हो रहा है, ताकि यहाँ पे ये object आ सके। The weight of the liquid displaced by its immersed part is equal to the total weight of the body. तो यहाँ से जितना liquid immerse हो रहा है, displace हो रहा है, हट रहा है इस object की वजह से, उसका weight is equal to क्या होगा, weight of the body, ठीक है, weight
ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय हेलो हाँ हाँ আমি তোকে একটু পরে কল ব্যাক করি, মাঝখানে আছি ক্লাসের। আমি সেটা চেক করিনি রে, চেক করে তোকে জানাচ্ছি। আমি ক্লাসের মাঝখানে যাই, তোকে চেক করে ফোন করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে। ওয়েট অফ দ্য লিকুইড ডিসপ্লেসড বাই অবজেক্ট ইয়া ইমার্স পার্ট অফ দ্য অবজেক্ট হোগা इज इक्वल टू कितना होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। यही है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो जितना लिक्विड इसको डिस्प्लेस कर रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे फ्लोट करने के लिए यहाँ का जो लिक्विड है इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तब ये यहाँ पे आ पाएगा। तो यहाँ से जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया, उस लिक्विड का वेट एक्चुअली क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का जितना वेट है इसी के बराबर होगा। यही बता रहा है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अगेन वी विल रीड दैट लाइन। When a body floats in a liquid, the weight of liquid displaced by its immersed part is equal to the total weight of the body. ये law of flotation है, इसको underline करो, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? नीचे लिखा भी हुआ है, देखो, weight of the floating body is equal to weight of the liquid displaced by its immersed part, that is buoyant force. ये immersed part मतलब buoyant force. In other words, according to law of flotation, the apparent weight of a floating body is zero. ठीक है? दृष्टि क्या हुआ? Smile कर रही है? दृष्टि ये भी लिख लो, एपरेंट वेट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज जीरो। A body floats with its major portion outside the surface of the liquid of higher density than that of liquid of lower density. This can be demonstrated by the following activity. अच्छा, इस law को ये दो point लिख लो, law of flotation का, ठीक है? And इसको explain करने के लिए जैसे हम लोग हर चीज़ का एक activity से समझते हैं, ये PM कौन है please? आप PM कौन है? मैं disconnect कर दूँगा अगर पता नहीं चलेगा, बहुत देर से मैं। सर सिसली है। सिसली है? हाँ सर, वो कंप्यूटर से कर रही है सर, उसने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है। कंप्यूटर कर रही है वो? ओके, तो वीडियो ऑन करो सिसली। सर वो कंप्यूटर में कर रही है इसलिए वो नहीं ऑन कर पा रही है। क्यों? मैं भी तो कंप्यूटर से कर रहा हूँ, मेरा तो वीडियो ऑन। सर उसको नहीं आता शायद। ओ अच्छा, मैं उसको सिखाऊंगा फिर बाद। तेजस वीडियो ऑन करो। तेजस तुम्हारा यहाँ पे दिखा रहा है, तुमने वीडियो ऑफ कर दिया। इस चीज को लिख लो, फिर एक्टिविटी हम देखते हैं। एक्टिविटी 7, एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन। तेजस वीडियो ऑन करो। नेटवर्क गुम हो गया था। नेटवर्क गुम होने से वो दिखाएगा, ब्लैक दिखाएगा, लेकिन तुम्हारा वीडियो ऑफ दिखाता है। नेटवर्क ऑफ होने से क्या होगा, वो ब्लिंक करेगा, लेकिन तुम्हारा सीधा वीडियो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो एक्टिविटी में जो है इसको इरेज कर रहा हूँ एंड एक्टिविटी को समझा रहा हूँ।
एक्टिविटी में बोला है, स्टेप वन में देखो क्या बोला है, टेक टू आइडेंटिकल स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ वुड, लेबल देम एज ए एंड बी, टेक वाटर इन ए बेकर, लेबल देम एज पी ए पी, एंड ग्लिसरीन इन अनदर बीकर लेबल्ड एज क्यू। ठीक है, दो ब्लॉक लेने के लिए बोला है, ये दो ब्लॉक लिया हमने, ये ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, और उसके बाद दो अलग अलग तरीके का लिक्विड लेने के लिए बोला है बीकर में, बीकर ए में हमने लिया, बीकर पी में इसमें लिया वाटर, ठीक है, एंड ग्लिसरीन भी एक लिक्विड है, बीकर क्यू में हमने लिया ग्लिसरीन। ठीक है, स्टेप टू में क्या करना है, इसमें देखो, प्लेस द वुडन ब्लॉक ए ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर इन बीकर पी। ये जो ए है, ए को हमको क्या करना है, बीकर पी में डालना है, और बी को हमको क्या करना है, क्यू में डालना है। तो ए को वाटर में डालेंगे, इस तरह से इमर्स रहेगा ये, कि बीकर पी में हमने किसको डाला, ए में, ए को डाला इसमें वाटर, एंड बीकर क्यू में हम डालेंगे किसको, बीकर क्यू में क्या है, ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन में हमने ब्लॉक बी को डाल दिया, ये हो गया बीकर क्यू। ठीक है, अब इसमें डायग्राम में तुम लोगों को दिख रहा होगा बुक में, इवन मैंने भी स्क्रीन में बनाया हुआ है, बीकर ए का जो है ज्यादा पार्ट पानी के अंदर इमर्स्ड है, वेयर एज बीकर बी में ब्लॉक का थोड़ा सा ही पार्ट जो है पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर है, इसमें ग्लिसरीन है, ठीक है, इसमें वाटर है, इसमें देखो ज्यादा से ज्यादा पार्ट किसमें है, पानी के अंदर पे है, और इसमें थोड़ा सा ही पार्ट जो है लिक्विड के अंदर पे है। ठीक है, ऐसा क्यों है ये समझेंगे, यू विल नोटिस दैट बोथ द ब्लॉक्स ए एंड बी फ्लोट, दोनों ही फ्लोट कर रहे हैं, द ब्लॉक ए फ्लोट्स इन वाटर विद इट्स लेस पोर्शन आउटसाइड द वाटर सर्फेस देन द ब्लॉक बी विच हैज इट्स मेजर पोर्शन आउटसाइड ग्लिसरीन सर्फेस। यहाँ पे ये बोला है कि ब्लॉक ए का थोड़ा सा ही पोर्शन जो है बाहर है, जबकि ब्लॉक बी का ज्यादा पोर्शन जो है बाहर की तरफ है। नाउ इसमें का कंक्लूजन क्या निकलेगा, द डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर एज वेल एज द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन। देखो फ्लोट कब करेगा कोई भी चीज, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, फ्लोट कब करेगा, जब डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पे ये दोनों चीज फ्लोट कर रहे हैं, मतलब क्या कि ये जो वुड है, ये वुड का डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ए, ये वुड है ऐसा नहीं बोला, बट ब्लॉक ए बोला, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ए ये क्या है, लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, एज वेल एज डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन से भी जो है, अगर वाटर से इसका कम है तो इसका डेंसिटी जो है ग्लिसरीन से भी कम होगा। उसके बाद दूसरा कंक्लूजन देखो, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तो ये तुम लोगों को पता ही है कि डेंसिटी ऑफ इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर से ज्यादा घना होता है ग्लिसरीन, इसका डेंसिटी ज्यादा होता है ग्लिसरीन का, तो अगर इस तरह, इसीलिए हम लोग जब इसको डुबा रहे हैं ये पूरा सिंक नहीं हो रहा है, जबकि पार्शियली जो है इसके ऊपर रह रहा है। अब वेयर एज देखो, सेम ब्लॉक को जब हमने इसमें डाला, ये ज्यादा पोर्शन इसका बाहर है, पोर्शन देखो किसका ज्यादा बाहर है, इसमें इतना सा ही पोर्शन बाहर है, जबकि इसमें ज्यादा पोर्शन बाहर है, इसका मतलब ये जो ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन वाटर से भी डेंसर है, इसलिए ये थोड़ा सा ही अलाउ कर रहे हैं अंदर आने में, और वाटर का देखो ज्यादा जो है इसके अंदर पे आया हुआ है। ठीक है, तो इससे जस्ट हम लोग को ये पता चल रहा है कि डेंसिटी किसका ज्यादा है किसका कम है इस एक्टिविटीज को। ये जो ब्लॉक ए जब हमने वाटर में डाला, ब्लॉक ए का ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन जो है पानी के अंदर पे है, दैट मीन्स डूबा तो नहीं है। सुबह का क्लास में हमने देखा था, अगर इसका डेंसिटी ज्यादा होता ये पूरा नीचे आके डूब जाता, ये सिंक नहीं हुआ है, ये स्टिल फ्लोट कर रहा है, दैट मीन्स ये डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज लेस देन क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इसके यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, इससे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ग्लिसरीन जो है थोड़ा सा ही केवल अलाउ कर रहा है इसके इस ब्लॉक को अंदर आने में, इसका मतलब जो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन होगा वो मोर देन द वाटर होगा। ठीक है, ये चार पॉइंट, ये चार तीन कंक्लूशन आपको याद रखना होगा कि डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, एंड ऑल्सो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज लेस देन डेंसिटी ऑफ सॉरी मोर देन नहीं लेस देन ऑल्सो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, और वाटर और ग्लिसरीन में किसका कम है,
वाटर का डेंसिटी कम है एंड ग्लिसरीन का डेंसिटी ज्यादा है, इस एक्टिविटी का ये कंक्लूजन है। ठीक है, नाउ कुछ कुछ एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे फ्लोटेशन का। ठीक है सर, इसलिए कंप्यूटर से ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। सर लाइट चला गया तो कंप्यूटर अपने आप ऑफ हो जाते, तो निकाल के फोन से किया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटेशन, सब लोग एक एक पॉइंट पढ़ो और मैं उसको एक पॉइंट को जस्ट एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्योंकि क्या क्या एप्लीकेशन है रियल लाइफ में फ्लोटेशन का वो देखोगे। सबसे पहले नंदिनी फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, फ्लोटेशन ऑफ आयरन शिप। हम लोग एप्लीकेशन मतलब ये जो फ्लोटेशन का जो प्रिंसिपल है इसको हम लोग अपने लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं, यूजफुल कैसे बनाते हैं इसको, उसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। ठीक है, ये फ्लोटेशन का एप्लीकेशन कहाँ यूज करते हैं। नंबर वन फ्लोटेशन ऑफ आयरन शिप, मैंने चैप्टर ये स्टार्ट होने से पहले, फ्लोटेशन स्टार्ट होने से पहले एक क्वेश्चन पूछा था क्यों शिप जो है तैर जाती है पानी में इतना बड़ा होने के बाद, तो अभी पता चल जाएगा। नाउ नंदिनी पढ़ो, जोर से पढ़ो, सबको सुनाई देना चाहिए, इवन तुम्हारे आस पड़ोसी को भी सुनाई देना चाहिए, इतना जोर से पढ़ो। फ्लोटेशन ऑफ एन आयरन शिप, फ्लोटेशन ऑफ एन आयरन शिप। बात मत करो, किससे बात कर रही है? सर आंटी बुला रहा है। सर बता दो क्लास है। हाँ बता सर, दो वो तो बोलो क्लास है। अनिल मेड अप ऑफ आयरन सिंक्स इन वाटर, but a ship made up of iron does not. The reason is the nail is solid and density of an iron is greater than that of water. The weight of the nail is more than the buoyant force of the water on it. So the nail sinks in water. On the other hand, the ship is hollow in its empty surface space contains air. This makes the average density of ships less than that of water. Therefore, a ship floats on water. क्यों एक नेल जो है पानी के अंदर में डूब जाता है जबकि पूरा जहाज पानी के अंदर में नहीं डूबता है? ठीक है, तो इसका आंसर वही अभी तक पढ़ा, डेंसिटी। एक नेल का डेंसिटी क्या होता है, उसका डेंसिटी इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा होता है लिक्विड से, और उसका जो फोर्स होता है, हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट कब डूबता है, जब उसका वेट का जो फोर्स है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, वो जब बायंट फोर्स से ज्यादा हो जाता है। बायंट फोर्स इज द फोर्स विच इज एग्जर्टेड बाय द लिक्विड वर्टिकली अपवर्ड। ये वाला चीज भी हमने पढ़ा था कि बायंट फोर्स कैसा होता है, ये लिक्विड है। सबने वो मग वाला गेम ट्राई किया कि नहीं, पानी के अंदर में नहाते समय? Yes, sir. हाँ, तो जो बायंट फोर्स होता है वो एक्चुअली लिक्विड एग्जर्ट करते हैं एंड ये क्या होता है, वर्टिकली अपवर्ड होता है। ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये नेल है, इसको हम लोग इस पानी में डुबाएंगे, तो जो भी ऑब्जेक्ट इस पानी के सरफेस में हम रखते हैं, इसका जो वेट है ये क्या करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक फोर्स एग्जर्ट करता है। अब मैंने ये बताया था दोनों में जो फोर्स ज्यादा होगा वही जीतेगा। जैसे अगर नेल का फोर्स अगर ज्यादा है बायंट फोर्स से, तो नेल जो है अल्टीमेटली नीचे आके डूब जाएगा। तो मेल के केस में होता भी यही है, क्योंकि इसका मैंने वो टेबल बना के दिखाया था ना, तीन केस में, जब वेट ज्यादा है एंड बाइंड फोर्स कम है तब क्या होगा, जब वेट और बाइंड फोर्स दोनों इक्वल है तब क्या होगा, जब वेट कम है एंड बाइंड फोर्स ज्यादा है तब क्या होगा, ये तीनों चीज मैंने आज सुबह को ही समझाया। तो नेल के केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला केस हो रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू इज ग्रेटर देन बाइंड फोर्स। अगर डब्ल्यू इज ग्रेटर देन बाइंड फोर्स है तो उस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी होता है, जो डेंसिटी होता है वो जनरली वाटर या लिक्विड से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर यही रीजन है नेल के डूब जाने का, कि नेल का जो डेंसिटी है वो लिक्विड से ज्यादा है एंड एज अ रिजल्ट द रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, डब्ल्यू माइनस एफ बी, ये क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके वजह से नेल सिंक कर जाता है, डूब जाता है। ठीक है, देखो कहीं पर किसी को कंफ्यूजन होना थोड़ा सा हाथ उठा देना ताकि मैं स्टॉप करके फिर एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, ये वाला फर्स्ट केस हमने सुबह जो पढ़ा था, इसीलिए नेल डूब जाता है, जबकि जहाज बहुत बड़ा होते हुए भी, उसका जहाज जो शिप होता है
वो बहुत बड़ा होते हुए भी पानी में नहीं डूबता है, क्योंकि अगर एवरेज डेंसिटी अगर हम कंपेयर करेंगे तो डेंसिटी ऑफ जो शिप है वो कम होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड. नाउ ये कम क्यों होगा, ये भी सोचने वाला बात है. सर नेल तो इतना सा नेल है फिर भी उसका डेंसिटी ज़्यादा है, जबकि शिप इतना बड़ा है उसका डेंसिटी कम कैसे हो सकता है लिक्विड से. तो उसका आंसर ये होगा, शिप बड़ा होने की वजह से क्या होगा, उसमें बहुत सारा स्पेस होता है, एंड बहुत सारा स्पेस होने की वजह से उसमें क्या भरा होता है, हवा, एयर भरा होता है ना. जिस शिप में क्या होता है, डेक होता होगा, उसके बाद शिप में बहुत सारा रूम होता होगा, बहुत सारा खाली स्पेस होता होगा. बड़ा बड़ा शिप तुम लोगों ने टीवी में देखा है, कोई अगर चढ़ा होगा तो उसको और अच्छे से पता होगा कि शिप में क्या होता है ना. तो वो जो खाली खाली स्पेस है शिप में, नेल में कोई खाली स्पेस है क्या? नेल तो पूरा का पूरा एकदम बना हुआ है ऐसे करके, पूरा इसमें कोई खाली स्पेस नहीं है, एयर घुसने का कोई जगह नहीं है इसके, ये जो नेल है. लेकिन शिप में, शिप बड़ा तो है लेकिन इसमें बहुत एयर, मतलब एयरी स्पेस है, इसमें इतना एयरी स्पेस है कि इसका जब डेंसिटी ये क्या जाएगा, तो एवरेज जो इसका डेंसिटी निकलेगा वो किससे कम होगा, लिक्विड से कम होगा. एंड इसी रीजन के वजह से शिप जो है पानी के ऊपर तैर सकता है जबकि नेल तैर नहीं सकता. ठीक है, तो हमारा मेन जो टारगेट है, मेन जो आंसर है, दैट इज डेंसिटी. डेंसिटी ऑफ नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट्स वाई इट सिंक्स. ठीक है, और डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी ऑफ द शिप, बिकॉज क्योंकि उसमें लार बहुत ज़्यादा स्पेस है, देर इज एयर इन साइड इट, तो उसका जो एवरेज डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द लिक्विड, एंड जिसकी वजह से जो बायंसी फोर्स उसमें एक्ट करता है वो एनफ नहीं होता, वो जो है एनफ होता है उसको शिप को जो है सरफेस में होल्ड कर, यही इसका आंसर है. ठीक है, देखो क्या लिखा है, अ नेल मेड ऑफ आयरन सिंक्स इन वाटर बट अ शिप मेड ऑफ आयरन डज नॉट. द रीजन इज दैट अ नेल इज सॉलिड एंड द डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर. द वेट ऑफ द नेल इज मोर देन बाइंड फोर्स ऑफ वाटर ऑन इट. ठीक है, जो वेट ऑफ द नेल है वो जो बाइंड फोर्स एग्जिट किया जाता है, ये बोल रहा हूँ, वेट ऑफ द नेल इज मोर देन द बाइंड फोर्स एग्जर्टेड बाय द लिक्विड. ठीक है, ऑन द अदर हैंड शिप इज हॉलो, है ना, जो मैंने बताया शिप जो है हॉलो होता है, आयरन से बना होने से भी वो जो है हॉलो होता है, एंड देर एंड द एम्प्टी स्पेस कंटेन्स एयर, इसमें जितना भी एम्प्टी स्पेस है उसमें क्या होता है, एयर होता है. दिस मेक्स द एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप लेस देन द वाटर, जिसकी वजह से शिप का जो एवरेज डेंसिटी होता है वो वाटर से कम हो जाता है, कम होने के वजह से शिप जो है वाटर में फ्लोट करने लगता है. ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई डज आयरन शिप फ्लोट इन वाटर वेयर एज आयरन नेल सिंक. तो इसको अच्छे से याद कर लेना इस आंसर को, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. एक और पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ, फ्लोटेशन ऑफ मैन, दृष्टि पढ़ो फटाफट, फ्लोटेशन ऑफ मैन. Flotation of man. It is easier for a person to swim in sea water than in river water. The reason is the sea water contains salt and so its density is more than the density of river water. The weight of man gets balanced by less immersed part of his body in sea water as compared to that in river water. Thus, it is easier to swim in sea water than in river water. एक इंसान समुंदर में, ठीक है, समुंदर वाला की बहुत बड़ा है लेकिन उसमें ज़्यादा इजीली स्विम कर सकता है या अपने आप को फ्लोट करा सकता है, लेट भी सकता है. कई कई जगह पे आपने देखा होगा कुछ वीडियोस यूट्यूब वगैरह में कि इंसान ऐसे पानी के ऊपर लेटा हुआ है समुंदर में. ठीक है, तो ये ऐसा पॉसिबल है, एक्चुअली ऐसा पॉसिबल है क्योंकि जो सॉल्ट कंटेंट होता है सी के पानी में वो ज़्यादा होता है, कई कई जगह पे इतना ज़्यादा होता है कि इंसान उसके ऊपर उल्टा लेट भी जाएगा तो नहीं डूबेगा, ऐसा होता है. जबकि रिवर वाटर में सॉल्ट कंटेंट नहीं होता है, तो अगर सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है वो ज्यादा डेंस हो जाता है. ठीक है, डेंसिटी उसका हाई हो जाता है, जबकि जो नदी का पानी है उसमें उसका डेंसिटी जो है उतना हाई नहीं होता, इसीलिए इजीली जो है सी के पानी में फ्लोट कर सकता है एक मैन या स्विम कर सकता है, क्योंकि उसका जितना बॉडी का जितना पार्ट, जैसे ये है ना थोड़ा सा पार्ट अंदर है, उसका बॉडी का जितना पार्ट अंदर जाएगा वो क्या होगा, इक्वल टू द दृष्टि. पास में कोई बैठा हुआ है क्या इधर उधर? सर बहन. अच्छा, तो बहन को भी पढ़ा दो. तो जब इंसान ऐसे, मान लो ये समुंदर है, ये समुंदर में तेजस नहा रहा है, तेजस है कि गायब हो गया, तेजस फिर गायब, वीडियो ऑफ कर दिया. तेजस बोलना क्यों पड़ता है बार बार, बोलो तो. ऑन करो वीडियो, तेजस वीडियो ऑन करो.
ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और क्योंकि मुझे पता लग गया है कि नेटवर्क होने से क्या होगा वीडियो में और वीडियो ऑफ करने से क्या होगा, तुम्हारा वीडियो ऑफ रहता है। ऐसे करके एक इंसान जो है नदी में मान लो लेटा हुआ है, तो इसका बॉडी का थोड़ा सा पार्ट पानी के अंदर जो जाता है वो इसको बैलेंस कर लेता है और ये डूबता नहीं है। ठीक है, ये किस में होता है? सी वाटर में है, लेकिन रिवर में ये ट्राई मत करना, नीचे चले जाओगे सीधा। रिवर का पानी जो है डेंस नहीं होता है, रिवर का पानी जो है कम डेंस होता है, जिसके वजह से लोग इसमें फ्लोट नहीं कर पाएंगे आराम से। जिसको स्विमिंग आता है ऑब्वियसली स्विमिंग कर पाएगा, लेकिन जो समुन्द्र है समुन्द्र में थोड़ा ज्यादा ईजी होगा उसको फ्लोट करने का, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसमें डूबेगा नहीं, बिकॉज ऑफ मोर सॉल्ट कंटेंट पानी जो है ज्यादा डेंस होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आज मैं पढ़ा दिया अभी तक। पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 कितना है इसमें, टोटल 7 है हमारा। ओके, तो कल 12 बजे फिर से मैं क्लास लूंगा, जिसमें ये रिमेनिंग जो एप्लीकेशन है इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर 1 का आंसर याद करना करना किसका किसका हो गया है, चैप्टर 1 का आंसर याद करना किसका किसका हो गया है कंप्लीट। आज चैप्टर 2 का स्टार्ट करना है तुम लोग को, स्कूल से जो भेजा है क्वेश्चन आंसर, क्योंकि मैं अचानक पूछूंगा, अचानक मैं डेट भी नहीं बताऊंगा कब पूछूंगा, मेरा ये कंप्लीट होने वाला है। हाँ बोलो। हाँ सर, मेरे पास चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर नहीं है। चैप्टर 2 का नहीं है, ठीक है, मेरे को भेजा है मेगा ने, मैं तुमको फॉरवर्ड करूं। क्यों तुम स्कूल में अटेंड नहीं किए? सर मेरे पास भी नहीं है। क्या किया था तुम लोग? ठीक है, मैं मेघा ने शायद भेजा है मेरे को। सिसली तुम्हारे पास है चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर? अनम्यूट करो। हाँ सर है। है? हाँ वो सर, स्कूल से जो हाँ, भेजा है। हाँ सर है, लिख लिया है मैंने। लिख लिया ना? पीडीएफ पीडीएफ करके थोड़ा ग्रुप में भेज दोगे पीडीएफ करके? ठीक है सर। ओके ओके ठीक है सर, वो जो नंबर आप ऐड कर दीजिएगा। ओ हाँ, भूल जाता हूँ, मैंने मेरे को मैसेज मिला, मैं अभी ऐड कर दूँगा। ठीक है, और चैप्टर 2 का भी आज क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू कर दो। हाँ ठीक है, चलो बाय। ठीक है सर, बाय सर, बाय सर। सर आपने क्लास रिकॉर्ड किया है क्या? हाँ मैं फर्स्ट टाइम ट्राई किया हूँ, देखता हूँ रिकॉर्ड करके। ओह मुझे लगा